बिजली क्यों महंगी की, आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं पहले ही ऐसी सूरत हाल है कि बिजली आए ना आए भारी भरकम बिल आते हैं। हुकूमत मजीद महंगाई करके जीना मुश्किल ना बनाए। कर सकते क्योंकि अभी मैंने पंखा तक यहाँ तक निकाल के रख दिया है। ये मेरा अभी पहले बिल आ रहा था 15 से 16 हज़ार का, अभी वक्त जो है मेरा 25 हज़ार का बिल आया हुआ इस महीने का है। और एक गरीब आदमी का क्या हाल है, अभी आप यहाँ पे देख लें कि वो बेचारा रोटी के लिए तरस रहा है कि बिजली के बिल देगा। हम देखो ज्यादती है, आवाम के साथ नहीं करना चाहिए इतना महंगा। थोड़ा सा हाथ ओला रखें और IMF का बहुत सारा आवाम पे ना डालें। 50 रुपये यूनिट कर रही है बिजली, इससे मजीद महंगाई आई है। ऑलरेडी पाकिस्तान में काम नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आवाम बेचारे तनख्वाहदार अपने तनख्वाह कैसे, तनख्वाह से ज़्यादा अभी कर रहे ना, तो खर्चा किधर पूरा होगा। तो ये ऊपर से और भी अजाब है, ये पता नहीं क्या वजह है इन लोगों को, हुक्मरानों को। अल्लाह इनको हिदायत दे। हुकूमत को चाहिए कुछ थोड़ा जहाँ गरीबों का ख्याल करे, तो हुकूमत बस पता नहीं की सोच रही है क्या साढ़े जो करना है। ऐसे तो यार पीछे गए हैं, बहुत जाती हो रही है। बिल पहले ही नहीं पूरे होते, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। कितों रिक्शा चलाने वाले माड़े बंदे ने पूरा करने नूं चाहिए कि ख्याल करन। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया। गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 17 में शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज